बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे क्विक एंड इजी न्यूयॉर्क स्टाइल बैगल। बैगल हम टू डिफरेंट स्टाइल के बनाएंगे, वन प्लेन और वन ब्लूबेरी बैगल। तो प्लेन बैगल के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप फ्लावर, 3/4 टेबल स्पून शुगर, 3/4 टी स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून ईस्ट, 160 ml वाटर। अब हम पानी में ईस्ट और शुगर को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसकी डो रेडी करेंगे और यही प्रोसीजर जो है वो हम ब्लूबेरी बैगल बनाने के लिए भी रखेंगे। उसमें फ़र्क ये होगा कि हम इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे वही होंगे और 2 कप का ही हम बनाएंगे, बस हम उसमें ब्लूबेरी ऐड कर देंगे, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्लेन बैगल बनाना। अब हम इसमें शुगर और ईस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से स्टर करेंगे और 10 मिनट्स के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। ऑल पर्पस फ्लावर हमने बड़ी डिश में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हमें डो बनाने में इजी हो। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, हम ईस्ट ऐड करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको अच्छी तरह की डो रेडी करेंगे। अच्छे से इसको हम रेडी कर लेंगे, इसको अच्छे से हमने इस तरह से स्ट्रेच करना है। बैगल का की डो जो है जितना अच्छा स्ट्रेच होगी उतने अच्छे बैगल बनेंगे। ये हमारी डो देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट हुई है। अब हम इसको 1 आवर के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल लगा लिया है और इसको हम इसमें रख देंगे। ये हमने इधर रख दिया इस तरह ऑयल करके। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए और जब तक हम अपना ब्लूबेरी बैगल का की डो तैयार करते हैं। अब हम ब्लूबेरी बैगल की डो तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर। अब हम इसमें 1/2 टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। थ्री फोर्थ टेबल स्पून ईस्ट ऐड करेंगे। वन एंड 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। फिर हम इसमें ब्लूबेरी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लिया है 200 ml ब्लूबेरी पेस्ट। ये फ्रेश ब्लूबेरी थी, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये हम इससे हम अपनी डो रेडी करेंगे और हमें जितनी ज़रूरत होगी हम इस्तेमाल करेंगे और अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम ले सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने ब्लूबेरी का पेस्ट ऐड कर लिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कोशिश मेरी होगी कि मैं पानी कम इस्तेमाल करूं, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ब्लूबेरी का पेस्ट और ऐड कर लूंगी। इसको हम ब्लूबेरी के पेस्ट से ही इसकी डो रेडी करेंगे। ब्लूबेरी की डो भी हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और को अच्छे से इसको स्ट्रेच आउट करेंगे ताकि इसकी डो भी अच्छी तरीके से घूम ली जा सके।
इसकी डो भी काफी सॉफ्ट हुई है। अब हम इसको भी एक पैन में लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको इसमें रख देंगे 1 घंटे के लिए और इसको हम कवर कर देंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं इस तरह। अब हम इसको कवर कर देते हैं और 1 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। हमारी डो रेडी हो गई है, माशाल्लाह काफी अच्छी राइस हो चुकी है। अब हम इसके बबल्स पॉप करेंगे ताकि इसमें कोई एयर ना रहे। हम इसको निकालेंगे और इसकी डो बॉल बनाएंगे। अब हम इसके 4 पीसेस करेंगे, इसको कट करेंगे। ये हमने 4 पीसेस इसके कर लिए। अब हम इसकी डो बॉल बनाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने ट्रे में थोड़ा सा आटा लगा दिया ताकि हमारी डो जो है वो स्टिक ना हो। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे इस तरह। 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसके बैगल तैयार करते हैं। ये हम इस तरह से फिंगर और थंब से इसको इस तरह करेंगे और इसको घुमाएंगे और इसके बैगल राउंड तैयार करेंगे। फिर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे बैगल की शेप देने के लिए। यहाँ रख देंगे। इसी तरह हम सारे बैगल्स को रेडी कर लेंगे। ये बैगल हमने रेडी किए हैं। अब हम इसको बॉयल वाटर में डालेंगे और इसको 1 मिनट ईच साइड को बॉयल करेंगे। हम एक एक डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे एक साथ, ताकि ये अच्छे से इसको जगह मिले। हमने इसे 1 मिनट इसको बॉईल करना है ईच साइड। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको अदर साइड से 1 मिनट करेंगे। अब हम इसको निकालेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें एग वॉश करेंगे। अब हम इसमें सिसम सीड और पॉपी सीड स्प्रिंकल करेंगे ऐसे, और फिर हम इसको 350 फ़ारेनहाइट पर ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे 20 मिनट्स। एक हम पॉपी सीड का स्प्रिंकल करेंगे। हमारी ब्लूबेरी बैगल की डो रेडी हो गई है। अब हम इसको भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने प्लेन बैगल की डो रेडी की थी, इसको हम पॉप करेंगे और फिर हम इसको निकाल के इसी तरह जैसे हमने प्लेन बैगल को कट किया था 4 पीसेस में और उसकी हमने बॉल बनाई थी, फिर बिल्कुल उसी तरह उसी मेथड से हम इसको भी करेंगे। और फिर 10 मिनट्स के लिए हम इसको पेड़े बना के रखेंगे और फिर हम इसको बॉयल करेंगे ईच साइड 1 मिनट जैसे हमने प्लेन में किया था। ये हमारे ब्लूबेरी बैगल रेडी हो गए। अब हम इसको बॉयल करेंगे और फिर 350 फ़ारेनहाइट पर बेक करने के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर हम डिश आउट करेंगे। ये वाला बैगल हमारा बॉयल हो चुका है, ठीक है। और ये सेकंड हमारे प्लेन बैगल बेक्ड हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हुए हैं ये। हमारे ब्लूबेरी बैगल भी बेक्ड हो चुके हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म से के बेक हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको हाफ करेंगे और फिर हम इसमें क्रीम चीज़ लगाएंगे।
हमने बैगल्स कट कर लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। ये प्लेन बैगल भी कितना अच्छा ज़बरदस्त टेक्सचर आया है इसका। अब हम इसमें क्रीम चीज लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम चीज लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हमने इसमें क्रीम चीज लगा दिया है। माशाल्लाह देखें कितना जबरदस्त लग रहा है ये। अब हम फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लुक आया है। ये क्रीम चीज के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अच्छे अच्छे फीडबैक दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।